कौन सा टेस्ट करने का लॉकडाउन में बाहर निकले लोगों की चेकिंग के दौरान एक लड़के को खुद थप्पड़ मारते और पुलिस वालों से पिटवाते, ये हैं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के कलेक्टर रणवीर शर्मा। शर्मा ने न सिर्फ लड़के को थप्पड़ जड़ा बल्कि उसका मोबाइल भी सड़क पर पटक कर तोड़ दिया। ये घटना शनिवार दोपहर की है जब कलेक्टर लॉकडाउन का पालन कराने खुद गश्त पर निकले थे। इस दौरान कई लोगों को रोककर उनसे बाहर निकलने की वजह पूछी जा रही थी। इस लड़के को भी तभी रोका गया। उसने बताया कि वो कोई टेस्ट कराने आया है। उसकी बात मान ली गई और कलेक्टर ने खुद उसे जाने को कह दिया, लेकिन कार की तरफ बढ़ रहे साहब का माथा अचानक ठनका और उन्होंने लड़के को रोककर पूछा कि वो कौन सा टेस्ट करवाने जा रहा था। उसका मोबाइल मांगा, देखते ही सड़क पर पटक दिया और धर दिया एक तमाचा। दरअसल कलेक्टर को लगा कि युवक उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। इसी शक में उन्होंने पुलिस कर्मियों से भी युवक की पिटाई करवाई। पुलिस वालों ने युवक पर लाठियां बरसा दी। इसके बाद कलेक्टर ये कहते हुए गाड़ी में जाकर बैठ गए कि इसके खिलाफ FIR कराओ। कलेक्टर के कोप का शिकार बनते हुए लड़का बार बार कहता रहा कि वो टेस्ट कराने ही निकला है, लेकिन कलेक्टर साहब तो अलग ही मूड में थे। उन्होंने युवक की एक न सुनी। बहरहाल घटना के थोड़ी देर बाद ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कलेक्टर का बर्ताव देख लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्हें निलंबित करने की मांग होने लगी। लोगों ने कहा कि लॉकडाउन का मतलब ये नहीं कि आप किसी को यूं थप्पड़ मार दें। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए। वैसे लड़का अगर वीडियो बना भी रहा था तो उसने क्या गलत किया। बहरहाल कलेक्टर को भी शायद बाद में इस बात का एहसास हुआ कि तैश में वो कुछ ज्यादा ही सख्त हो गए। मामला बिगड़ने का अंदेशा देख देर शाम उन्होंने बयान जारी कर कहा कि वो अपने बर्ताव पर शर्मिंदा हैं और इसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी है। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि कोरोना काल में जिस तरह छत्तीसगढ़ में मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों को घर में रहना बेहद जरूरी है और वो लॉकडाउन का पालन कराने के लिए ही गश्त पर निकले थे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।